2022 विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राजधानी लखनऊ की एक महत्वपूर्ण सीट लखनऊ उत्तर से पार्टी की युवा नेता पूजा शुक्ला को चुनाव मैदान में उतारा है। मैडम, कितनी बड़ी जिम्मेदारी इसको मानती हैं आपको विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव जी ने एक बड़ा मौका दिया, किस प्रकार से देखती हैं? देखिए, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने मुझ पर भरोसा किया। और ये भरोसा सिर्फ मुझ पर नहीं है, ये तमाम उन युवाओं पर है, महिलाओं पर है, जिनको ये लगता है कि राजनीति में अगर आपके पास पैसा है, आपके पास सब कुछ है, तभी आप आ सकते हैं, आपका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। मैं एक नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आती हूँ, लेकिन मुझे अखिलेश यादव जी ने उस पर भरोसा किया, मेरे काम को सराहा और मेरी मेहनत और प्रतिष्ठा पर विश्वास किया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी है और मैं कोशिश करूंगी कि मैं इस जिम्मेदारी को सही से निभाऊं और 10 मार्च को उनके मुख्यमंत्री बनने में मैं भी अपना योगदान दूं। लखनऊ की जो उत्तर सीट है, यहाँ से अभी जो सिटिंग एमएलए हैं बीजेपी की नीरज बोरा है, एक बार फिर वो चुनाव मैदान में, और लखनऊ बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। अपने पारिवारिक बैकग्राउंड और अभी आप लखनऊ विश्वविद्यालय से कर रही थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को काले झंडे दिखाए थे, तो तमाम परिस्थितियों को देखते हुए कैसे क्या देखेंगे कहेंगे? देखिए, मैंने तो हमेशा संघर्ष किया, अन्याय के विरुद्ध लड़े हैं, अन्याय के विरुद्ध लड़ेंगे और जब सरकार आएगी तो जो अन्याय जिनके साथ हुआ उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। हमारी तो यही मंशा है कि हमारी सरकार आए तो हम महिलाओं को पेंशन दें। पहले हम 500 देते थे, अब हम 1500 रुपये पेंशन देंगे। हम बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देंगे, हम किसानों को उनकी फसल का उचित दाम देंगे, हम बेटियों को सुरक्षा देंगे। हमारे राज्य में बेटियां थानों में नहीं मार दी जाएंगी, रात में नहीं जला दी जाएंगी, विधायकों को हम संरक्षण नहीं देते ऐसे। तो भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं वो जन विरोधी है और इन जन विरोधी नीतियों के खिलाफ पूरी समाजवादी पार्टी मजबूती से खड़ी है। लखनऊ विश्वविद्यालय का वो जो घटनाक्रम है, आपने काले झंडे दिखाए थे, किन वजहों को लेकर या किन मांगों को लेकर आपने झंडा दिखाया था और कितने दिन जेल में आपको रहना पड़ा, क्या पूरा घटनाक्रम था? मैंने पहले भी आपको बताया कि हम लोग अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार का मामला था, लगातार एक विशेष विचारधारा का कार्यक्रम कराया जा रहा था और यूनिवर्सिटी की फी हाइक हो रही थी। हमने वाइस चांसलर से बात की, गवर्नर से बात की, जब कोई सुनवाई नहीं हुई। तो ये लोकतंत्र में हमारा अधिकार है कि जिसको हम चुन के भेजते हैं उससे हम सवाल भी पूछ सकते हैं। तो हमने भी सोचा था कि अपने मुख्यमंत्री से बात करेंगे, लेकिन हुआ उल्टा, लाठियां मारी गई, महीने भर जेल में रखा गया, प्रताड़ित किया गया, उसके बाद भी मुकदमे लगाए गए, एडमिशन को रोका गया, तमाम चीजें हैं। तो मैं ये मानती हूँ कि ये जो वर्तमान समय है वो ये समय अन्याय के खिलाफ लड़ने वालों के लिए मजबूती का समय है। समाजवादी पार्टी ऐसे लोगों की को एक तरह से रिकॉग्नाइज कर रही है जिन्होंने इस सरकार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी। नरेंद्र मोदी सरकार का जो एक बहुत बड़ा मुद्दा था CAA और NRC, उसको लेकर भी आपने लखनऊ में संघर्ष किया और घंटाघर में प्रोटेस्ट किया था, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, संघर्ष जहां न्याय होगा वहां हम लोग संघर्ष करेंगे, चाहे बेटियों की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे बेरोजगार नौजवानों की बात हो, किसी के भी सम्मान के साथ अगर खिलवाड़ होगा तो समाजवादी पार्टी का एक ही कार्यकर्ता पीछे नहीं हटने वाला है। हमने कोरोना में भी बहुत मदद की, हमने लगातार हर विषम परिस्थिति में हम जनता के सुख और दुख में रहे। जब उन्नाव की बेटी के साथ घटना घृणित जो अपराध हुआ, उसके बाद सबसे पहले अगर कोई धरने पर बैठा तो माननीय श्री अखिलेश यादव जी थे। किसानों का मुद्दा हुआ, अखिलेश यादव जी धरने पर बैठे। नौजवानों का मुद्दा हुआ, अखिलेश यादव जी बढ़ करके आ गया है। तो हम एक ऐसी पार्टी से आते हैं जहां पर युवा नेतृत्व है, जहां पर एक विकास की सोच है, पॉजिटिव पॉलिटिक्स है, जहां पर विभाजन की बात हम नहीं करते हैं। हम अगर बात करते हैं तो सड़क की बात करते हैं, हम बात करते हैं किसानों की खुशहाली कैसा है, हर घर में समृद्धि का विकास कैसे हो। तो हम ऐसी पार्टी से आते हैं इसलिए हम पॉजिटिव पॉलिटिक्स में भरोसा रखते हैं और आने वाले समय में 10 मार्च को अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे और उत्तर विधानसभा की जनता हमें जनादेश सुनाएगी। समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं वो लगातार पॉजिटिव पॉलिटिक्स की बात करते हुए, भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती है तो लाइन ऑर्डर बेकार हो जाता है, दंगा होता है और महिलाओं के साथ तमाम तरह की घटनाएं होती, तो इसको लेकर आप किस प्रकार से अपने लखनऊ उत्तर की जनता को समझाने का प्रयास करेंगे? देखिए, सारे लोगों को पता है समाजवादी पार्टी की सरकार होती है तो पेंशन मिलती है, समाजवादी पार्टी की सरकार होती है तो राशन मिलता है, समाजवादी पार्टी की सरकार होती है तो रोजगार मिलता है, समाजवादी पार्टी की सरकार होती है तो महिला सुरक्षा मिलती है, समाजवादी पार्टी की सरकार होती है तो गरीबों को न्याय मिलता है। लेकिन भाजपा क्या करती है? सिर्फ झूठ। 5 साल कोई काम नहीं किया है, रिपोर्ट कार्ड 0 है, माइनस में चला जा रहा है, लेकिन झूठ पे झूठ बोलना है। और जब कोई आदमी काम नहीं करता ना तो बहाने बहुत बनाता है, तो भाजपा के लोग सिर्फ वही कर रहे हैं, झूठ बोलना, मन से झूठ बोलना, किसी के बारे में गलत अफवाहें फैलाना। तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी पॉजिटिव पॉलिटिक्स करती है, वही पॉलिटिक्स करेगी। आखिरी सवाल, वर्तमान समय कोविड का संकट काल चल रहा है और चुनाव आयोग ने जो पॉलिटिकल कार्यक्रम उस पर काफी प्रतिबंध लगा रखा है, लखनऊ बीजेपी का गढ़ है और उनकी पहले से लगातार तैयारी रहती है, आपके पास समय कम है,
वर्चुअल तरीके से या फिजिकली आप लोग किस प्रकार से कैंपेन को आगे बढ़ाएंगे जिससे लखनऊ उत्तर की जनता आपका सपोर्ट करे? देखिए, वर्चुअली तो हम लोग काम कर ही रहे थे, जमीन पे भी हम लोग काम कर रहे थे, एक बड़ी संख्या में हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, तो लगातार जितना अधिकतम डोर टू डोर जा सकेंगे जाएंगे, जो भी अधिकतम हम कर सकते हैं वो करेंगे। और सबसे बड़ी बात, मैं मानती हूँ पिछले 5 साल से मैं तैयारी कर रही हूँ, तो हर घर हर बूथ पे मैं जा चुकी हूँ, तो मेरे लिए ये बहुत कठिन नहीं। तो ये थी लखनऊ उत्तर से समाजवादी पार्टी की युवा उम्मीदवार पूजा शुक्ला, जिन्होंने बताया कि हम संघर्ष करेंगे, युवाओं अन्य लोगों की समस्याओं को लेकर लगातार पिछले 5 साल से काम कर रहे थे, और बीजेपी का जो लखनऊ उत्तर का गढ़ है उसे ढहाने का काम करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विजय कुमार के साथ धीरज त्रिपाठी, ईटीवी भारत, लखनऊ।